मनोज जी परिकर ये मेरे राजकारण में आदर्श रहे हैं, मेरे गुरु रहे हैं और मैं फादरली फिगर फॉर मी उन्हीं के वास्ते मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं जो पॉलिटिक्स में आया हूँ वो उन्हीं के वास्ते आया हूँ। मैं MLA बन गया, सभापति बन गया और आज मुख्यमंत्री बन गया, ये उन्हीं की मुझे जो कुछ उन्हीं की देन है ऐसे ही मैं बोलूँगा। तो फिर इट इज़ माई कर्टसी विजिट फैमिली को मिलने के लिए, क्योंकि उनके दोनों बच्चे के साथ मेरे बहुत अच्छी रिलेशन्स हैं, उत्पल और अभिजात के साथ पहले से अच्छी रिलेशन्स हैं। तो फिर आज मेरा फ़र्ज बनता है मुख्यमंत्री होने के बाद पहली बार उनके घर पे आना। अभी तक मैं ऑफिस में नहीं गया हूँ, अभी उनके घर पे आया हूँ। इसके बाद में मैं महालक्ष्मी मंदिर, जो पंजिम का बड़ा सबसे मंदिर है, महालक्ष्मी का दर्शन दूंगा और उसके बाद में मेरे ऑफिस ज्वाइन। सर, क्या डिप्यूटी CM को लेकर के क्या कोई बात पक्की हुई है? हाँ बिल्कुल, डेप्यूटी CM हम दो डेप्यूटी CM कर रहे हैं, सुदीन ढवलीकर और विजय। हमेशा देखा गया कि गोवा की राजनीति में जो अलाइज रहते हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, तो जैसे मनोहर जी ने संभाल के रखा था, आप किस प्रकार से प्लान करते हैं कि इनको संभाल के रखने का? आपको अभी मालूम होना चाहिए था मैं इस जगह पे खड़ा हूँ तो मनोहर भाई के लिए है, तो फिर डेफिनेटली इस प्रश्न का उत्तर तो आपको जरूरी मिल गया होगा। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन कितना करते हो तुम? पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन या बेगिनात बेगिन जातले जाता ते के बेगिन जातले। ओके, आणि वोट ऑफ कॉन्फिडन्स ची डेट भी अच्छी की नाही झाला काय पाहिजे मला मराठी मध्ये सर, तुम्ही आज भेट द्या। हमें आता सांगला ॲडमिनिस्ट्रेशन ही आयच्या घडीक जर पळेत जाल्यार ॲडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन करप ही टॉप प्रायोरिटी असतली। फुडल्या 7 दिसांक राज्यात दुखवटो असा तोपर्यंत कसलेच स्वागत ना, बुके ना, कोणाकडल्याच स्वीकारले वयचे ना। त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातल्यान माझी सगळ्यांक रिक्वेस्ट असा की म्हाका मुद्दामून मेळोंक येवचे न्हू। मेळटा तेन्ना हांव सगळ्यांक तुमकांय वेलकम करता आनी फुलां बुके ही कसलेच हाडचे न्ही हें आसा। मायनिंगेचो विषय जो आहा हो डेफिनेटली आमकां जाता तितके बेगीन हाताळपाक जाय।